स्वीट घरेलू टोटके चैनल में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आप लोग तिब्बत क्रीम को अपने एक्नी और दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको कितना अच्छा रिजल्ट देगी, उसके बाद आप मुझे फीडबैक के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान सी हम क्रीम तैयार करेंगे और इसको जब आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिनों में पता चलेगा। एक्नी में आपके जो हैं पिंपल्स वगैरह होंगे वो भी दब जाएंगे और उनके जो निशान हैं वो भी हल्के होना शुरू हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो मैं भी रोज़ वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों को ईजीली मिल सके। अब हमें क्रीम के लिए क्या क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है तिब्बत स्नो क्रीम, आप इसको रेगुलर बना सकते, 2 से 3 दिन भी बना के रख सकते हैं, आप इसको 10 से 15 दिन के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैं ले रही हूँ तिब्बत क्रीम, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ, तो मैं कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून भी बना के रखेंगे तो ये आपकी काफ़ी दिन जो है वो चल जाएगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर एलोवेरा जेल, ये मार्केट की एलोवेरा जेल है, अगर आप इसमें डालेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, अगर आप फ्रेश डालेंगे तो वो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाएगी। हाफ टेबल स्पून ही मैं ये ले रही हूँ क्योंकि मैंने हाफ टेबल स्पून की क्वांटिटी क्रीम की डाली थी। जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ग्लिसरीन से आपके स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस है अभी सर्दियों के हवाले से, अभी आपको मालूम ही है कि विंटर्स अभी चल ही रहा है, तो ये इसके लिए आपकी स्किन बहुत बेहतर रहेगी। इससे आपकी स्किन जो है वो फटेगी नहीं और जो रफनेस होगी आपके स्किन के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल, आप कोई भी कैप्सूल ऐड कर सकते हैं विटामिन ई की, किसी भी कलर में आपको मिलती है, लेकिन आजकल मैं एवियन वालों की इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली सबको मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को तमाम कलर्स की नहीं मिलती तो वो परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज पे पूछते हैं कि आपने जो कैप्सूल डाली है वो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो कोई बात नहीं, कोई भी आपको विटामिन की कैप्सूल मिले आप वो डाल सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए डालकर बताती हूँ क्योंकि ये कॉस्मेटिक की शॉप से ईज़िली आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये मैंने लास्ट में इसके अंदर ये ऐड कर ली है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, इसको आप पूरे 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बनाकर दिखाई है ताकि आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से इसको बनाना है। नॉर्मली अगर आप नाइट में कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नाइट में कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसी को लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले अगर इसे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ग्लिसरीन ऐड ना करें, लेकिन अभी विंटर है तो विंटर में ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, पर वैसे आप नॉर्मली समर्स में इसमें ग्लिसरीन ना डालिएगा जिनकी ऑयली स्किन है क्योंकि ग्लिसरीन से और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आप चेहरा धो लीजिए, चेहरा धोने के बाद खुश्क करके आप इसको लगा लीजिए नॉर्मल, और हल्के हल्के हाथों से फिंगर टिप्स की मदद से मसाज कर लीजिए नॉर्मल, और फिर आप इसको छोड़ दीजिए। ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपके दाग धब्बे दाने सब रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो आपका चेहरा हो जाएगा और स्किन इतनी ग्लो करेगी सुबह में, आप जब चेहरा धोएंगे तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी। आप इसे 10 से 15 दिन लगा के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके स्पॉट्स एक्नी पिंपल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, और जो पिंपल्स नए आने वाले होंगे वो भी जो है वो दब जाएंगे, वो पिंपल्स खुश्क हो जाएंगे। तो यह हो गई हमारी वीडियो ख़त्म, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे, ज़रा सी भी आपको वीडियो लगे कि अच्छी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप तिब्बत स्नो क्रीम का तफसीलन रिव्यू देखना चाहते हैं तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके रिव्यू पर पहुंच जाएंगे।
यहाँ पर हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी की कोई परेशान हो और इस सस्ती सी टिप की मदद से उसकी हेल्प हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।